के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से नया बैच प्रारंभ हो चुका है, हिंदी नाटक का विकास की इकाई से आपको नया बैच मिल रहा है। नाटक का विकास यानी अभी आज नाटक होगा, नाटक जब कंप्लीट हो जाएगा, नाटक के बाद में निबंध होगा, निबंध के बाद में अन्य विधा होगी और फिर हम लोग इकाई एक हिंदी भाषा का इतिहास पर आ जाएंगे। हमारे यहाँ हर यूनिट से नया बैच शुरू होता है, साइक्लिक बैच चलता है। तो नाटक का विकास आइए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो नाटक का विकास है और यह वीडियो पब्लिश वीडियो है। जब भी नया बैच शुरू होता है तो एक पहला वीडियो पब्लिश कर दिया जाता है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है, अभी कल हुआ है, आज सुबह हुआ है, जैसे शिल्पी हैं, अनुपमा हैं, काजल हैं, हीरोमणि हैं, नीरज, कविता, संदीप, कविता ने तो अभी डेमो मांगा था, उनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, संदीप हैं, सुजीत हैं, वेणु प्रिया हैं, गोविंद हैं, कल्याणी, सविता, सुखराम, रूही, कोमल, संजीत, ये ऐसे लोग हैं जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, आज सुबह हुआ है। बाकी हमारे UGC नेट के जो कैंडिडेट हैं, UGC नेट JRF में 66 प्लस JRF और 92 प्लस UGC नेट कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। प्लस इसलिए कि अभी बहुत सारे लोगों का बार बार अब मैसेज आ रहा है कि सर मेरा हो गया, JRF हो गया, कोई कह रहा है हमारा नेट हो गया है, तो रिजल्ट कुछ लोग देर में देख रहे हैं इसलिए प्लस लगा दिया गया है। बाकी जिन जिन लोगों का हो रहा है उनका वीडियो भी आप लोगों को भेज रहे हैं, जो लोग वीडियो भेज रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बाकी नया बैच आज 8/11/2022 से प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। शुल्क में विशेष छूट के साथ एडमिशन जारी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं नाटक का विकास। नाटक का विकास आज होगा। हिंदी नाटक का विकास, यहीं से आज की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। देखिए, हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। जब यहाँ पर यह कथन आता है कि हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से प्रारंभ होता है, तो आप ये सोचते हैं कि क्या इससे पहले नाटक नहीं लिखे गए, या नाटक का बीज हमको कहाँ से मिलता है। तो इससे पहले यानी हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य परंपरा थी। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक युग में ही संभव हो सका है। संस्कृत और प्राकृत में जिन नाटकों की हम लोग बात करते हैं वहाँ पर अगर देखें तो संस्कृत साहित्य में काव्य और नाटक सीधे उसके विकास क्रम में पढ़ते हैं। उपन्यास, कहानी या निबंध संस्कृत साहित्य के क्रम में, के विकास के क्रम में नहीं है, बल्कि काव्य और नाटक है। अब अगर काव्य और नाटक है तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि संस्कृत में पहले काव्य था या नाटक। गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, PDF में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें अलग से होती हैं समझाई जाती हैं उन पर और गौर करें। जो चीज़ें बताई जाएं लिखने के लिए उसे ज़रूर लिख लिया करें, और जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक परीक्षा में प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृत में सबसे पहले काव्य का विकास हुआ या नाटक का, आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखते हैं कि सबसे पहले नाटक का विकास हुआ, उसके बाद में काव्य का विकास हुआ। सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो सबसे पहले नाटक का विकास हुआ और उसके बाद काव्य का विकास हुआ। कई जगह आपको संस्कृत की रचनाओं में देखने को मिलेगा जहाँ पर कहा गया है कि कविता की अपेक्षा यानी काव्य की अपेक्षा नाटक का विकास कुछ पहले हो चुका था। क्यों, इसका मैं आपको प्रमाण भी बताऊं। प्रमाण स्वरूप आप ले सकते हैं कि संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों ने यह कहा है कि रस की जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा कि जिसमें
रस सिद्धांत को नाट्य शास्त्र से ग्रहण किया गया है। रस सिद्धांत को, जो कि काव्य का प्रमुख अंग है रस, रस सिद्धांत को नाट्य शास्त्र से ग्रहण किया गया है। इसका मतलब सबसे पहले नाटकों का विकास हुआ। संस्कृत नाटकों की अगर हम बात करें तो संस्कृत नाटकों में आप देखेंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, दो तरीके के नाटक होते थे संस्कृत नाटकों में। एक तो होता था संस्कृत नाटकों में पद्य में लिखा होता था, गद्य में लिखा होता था, और एक इस प्रकार का नाटक था जिसमें केवल संवाद होते थे, जिसमें केवल संवाद होते थे। संवादों में अगर हम देखें तो संवाद मुख्यतः निजनधारी कथाएं होती थी। अब आप कहेंगे सर निजनधारी कथाएं तो हमें नहीं पता है। भाई आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि निजनधारी कथा, आपके पाठ्यक्रम में दिया गया कि निजनधारी कथा क्या है। जब आपको आलोचना वाला पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी निजनधारी कथा की बात करेंगे। उसके अलावा जब इकाई 3 आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर भी निजनधारी कथा की बात करेंगे। ऐसी कथाएं जो लोक प्रचलित थी, लोक प्रचलित जो कथाएं थी वही निजनधारी कथाएं थी। तो जो संवाद योजना थी वो निजनधारी कथाएं होती थी या पौराणिक होती थी। जैसे यम यमी का संवाद है, इंद्राणी का संवाद, ये सब क्या है, ये सब आप देखेंगे तो पौराणिक हैं। कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जो निजनधारी कथाएं हैं जिनके जो संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। तो ये तो संस्कृत नाटकों की बात की गई। संस्कृत में भास ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, कालिदास के परवर्ती जितने भी हैं शूद्रक से लेकर भवभूति तक सब के सब ने संस्कृत में नाटक लिखा है। जैसे स्वप्नवास दत्ता आपने देखा, भास का नाटक, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, इसके अलावा प्रतिमा नाटक, बालचरित नाटक, पंचरात्र नाटक, कर्णभार नाटक, उर्भंग नाटक, ये सब भास ने लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक लिखा, हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये सारे नाटक लिखा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा, और बाद में इन नाटकों का आप देखेंगे अनुवाद भी किया गया। लेकिन धीरे धीरे ये क्षीण होता गया और मध्यकाल में आते आते लीलाओं का उदय होने से जन नाटकों का प्रचलन बढ़ा। लीलाओं में आप देखेंगे कि धार्मिक आंदोलनों से जो लीलाएं थी, जैसे रासलीला और रामलीला, आज भी आप जानते होंगे रामलीला अभी भी गांव में होता है, शहरों में होता है, हर जगह लगभग होता है रामलीला। तो ये जो लीलाएं थी, चाहे वो रामलीला हो चाहे वो रासलीला हो, धार्मिक आंदोलनों से रासलीला और रामलीला के रूप में लोक रंगमंच की जो स्थापना हुई उसकी परंपरा आज भी चली आ रही है। नौटंकी की अगर बात करें, मध्यकाल में नौटंकी उत्तर भारत का अत्यंत लोकप्रिय नाट्य है। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न, नौटंकी जो उत्तर भारत का लोकप्रिय नाट्य है, इसे किसने उर्दू की कविता और लोकगीत से उद्भूत बताया है? जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर यह आपसे प्रश्न पूछा जाए या परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि नौटंकी को किसने उर्दू की कविता और लोकगीत से उद्भूत बताया है, कितने लोगों को पता है? आप जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जरूर बताइएगा, मैं बताऊं या फिर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। शिल्पी, अनुपमा, काजल, हिरोमणि बताएंगे, सावित्री, कल्याणी, गोविंद, वेणुप्रिया, सुजीत बताएंगे आप लोग, या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं पता हो तो ध्यान रखना, नौटंकी को बाबूराम सक्सेना ने, लिख लीजिए, नौटंकी को बाबूराम सक्सेना ने उर्दू की कविता और लोकगीत से उद्भूत माना है या उद्भूत बताया है, बाबूराम सक्सेना। अब देखिए पीडीएफ में नहीं है ये चीज़, आपको लिखा दे रहे हैं, ऐसे ही हर वीडियो लेक्चर में आपको तथ्य लिखाते चलते हैं, उसके बारे में बताते हुए चलते हैं, और परीक्षा में जब इससे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो लोग कहते हैं सर ये तो पीडीएफ में नहीं है। भाई आप वीडियो नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, फिर कहाँ से प्रश्न मिलेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो प्रश्न मिलते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि 100% मेरी गारंटी होगी कि परीक्षा में प्रश्न मिलेगा।
परीक्षा में प्रश्न मिलेगा, तो उसका कारण यही है कि कुछ डायरेक्ट में होता है और कुछ इनडायरेक्ट में होता है। तो यह इनडायरेक्ट में है जो मैंने आपको बाबूराम सक्सेना के बारे में बताया कि इन्होंने नौटंकी को उर्दू की कविता और लोकगीत से उद्भूत बताया है। वैसे 11वीं 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि हीर रांझा, बहुत ही नाम सुना होगा आपने, हीर रांझा की कथा को नौटंकी का रूप दे दिया गया था, लेकिन यह गलत है, इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो मध्यकाल में लीलाओं का उदय होने से जन नाटकों का प्रचलन बढ़ा। इन नाटकों में गीत और नृत्य की अधिकता रहती थी और गद्य का बहुत कम प्रयोग होता था। ये जो लोक नाट्य होते थे वो मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के बारे में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो ये होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। ये भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। 17वीं-18वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गए जो ब्रजभाषा में थे। इनमें से कुछ मौलिक थे तो कुछ अनुदित थे। जैसे मौलिक नाटकों की अगर बात करें, रामायण महानाटक जो कि किसका है, प्राणचंद चौहान का है। किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। वैसे प्राणचंद चौहान के बारे में बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं। केवल रामायण महानाटक ही नहीं, बल्कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं और कुछ केवल संवाद के रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। वहीं करुणाभरण की अगर बात करें जो कि लच्छीराम का है, यह एक काव्य, ये भी ब्रजभाषा में है, यह काव्य नाटक है। अब जब काव्य नाटक है तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जो करुणाभरण लिखा गया यह काव्य नाटक है, यह भी आपको पता है कि ब्रजभाषा में है, लेकिन आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि काव्य भाषा में अगर है तो इसमें छंद का प्रयोग तो जरूर किया गया है, फिर किस छंद का प्रयोग किया गया है? बताइए, करुणाभरण नाटक किस छंद में लिखा गया है? कितने लोगों को पता है? सीधा सा प्रश्न अगर मैं पूछूं कि करुणाभरण नाटक जो कि एक काव्य नाटक है ब्रज भाषा में किस छंद में लिखा गया है? नहीं पता? कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी हमारा वीडियो देखिए, हमारा लेक्चर देखिए, तभी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। दोहा और चौपाई छंद में है। इसकी विषय वस्तु क्या है? करुणाभरण की विषय वस्तु क्या है? तो यह कृष्ण के जीवन से संबंधित है। करुणाभरण कृष्ण के जीवन से संबंधित नाटक है। इसमें कृष्ण का सूर्य ग्रहण के अवसर पर रुक्मणी, सत्यभामा आदि के साथ कुरुक्षेत्र आना, और फिर देखेंगे नंद, यशोदा, राधा, गोपियों और ग्वालों से उनका मिलन, ये सारी चीजें वर्णित है। सत्यभामा की ईर्ष्या को केंद्रबिंदु बनाकर यह इसका कथानक जो करुणाभरण का है वो रचा गया है। सत्यभामा की ईर्ष्या को केंद्रबिंदु बनाकर करुणाभरण नाटक का ताना बाना पूरा बुना गया। हाँ, एक चीज इसमें विवाद जरूर है, इसके अंक को लेकर, करुणाभरण नाटक के अंक को लेकर। देखिए, इसमें 300 छंद हैं और 6 अंक हैं। ये कई साहित्यकारों का मानना है, लेकिन कुछ साहित्यकारों का यह मानना है कि नहीं, इसमें 7 अंक हैं। अंतिम जो 7वां अंक मिला है उसमें 35 छंद है, तो इस तरीके से कुल 335 छंद और 7 अंक हैं, तो इसमें मतभेद है। अब परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो दो में से एक ही विकल्प होगा, या तो 300 छंद विकल्प में होगा या 335 होगा। अगर अंक पूछा जाएगा तो या तो 6 अंक होगा या तो 7 अंक होगा।
दोनों एक साथ कभी भी विवादित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और बाय द वे कभी गलती से प्रश्न बन भी गया तो आप देखते ही हैं कि आयोग हटा देता है और जनरल मार्किंग कर देता है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जिस पर विवाद हो वह प्रश्न न दिया जाए, और अगर दिया भी गया तो ऐसा विकल्प कि जो कहीं ना कहीं उसमें मेल खाता हो। ऐसे आनंद रघुनंदन नाटक की अगर बात करें जो कि रीवा नरेश राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है, आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में है, हिंदी का पहला नाटक इसे बहुत सारे लोगों ने माना, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, बच्चन सिंह ने भी आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है, हिंदी का पहला नाटक माना गया। वैसे दशरथ ओझा की अगर बात करें तो दशरथ ओझा ने कहा है, क्या कहा है दशरथ ओझा ने, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दशरथ ओझा ने कहा है आनंद रघुनंदन के नाटककार विश्वनाथ सिंह के बारे में कि विश्वनाथ जी के इस नाटक ने, किस नाटक ने, आनंद रघुनंदन ने, इस नाटक ने हिंदी नाटकों में ऐसी क्रांति पैदा कर दी जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी, ये आनंद रघुनंदन के बारे में कहा गया है। वैसे आप तो सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं और जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, सभी के सभी व्यूअर्स में से 50% ऐसे व्यूअर्स होंगे जो नेट क्वालिफाई होंगे, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, UPHESC के लिए लगे हुए हैं। आनंद रघुनंदन का नाम सबने सुना होगा, हिंदी के पहले नाटक के रूप में रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर दशरथ ओझा, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें बाबू गुलाब राय, बाबू ब्रजरत्न दास, इन लोगों ने हिंदी का पहला नाटक माना है इसे। तो आनंद रघुनंदन नाटक के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आनंद रघुनंदन जो नाटक है उसमें जो रामायण के पात्र हैं उन रामायण के पात्रों का नाम अलग अलग है, जैसे दशरथ का जो नाम है दशरथ, दशरथ का नाम आनंद रघुनंदन में दशरथ नहीं लिखा गया है बल्कि दिग्जान लिखा गया है, दशरथ का नाम दिग्जान आनंद रघुनंदन में है। सीता का नाम क्या है, तो सीता का नाम है महिजा, महिजा। तो ये सब अलग अलग नाम है। ऐसे राम का क्या नाम है, आनंद रघुनंदन नाटक में राम का क्या नाम है, कितने लोग बताएंगे भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर जो वीडियो पब्लिश हो रही है, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, एक नहीं आप 10, 20, 50 चैनल पर जाकर वीडियो सर्च करिए और देखिए कि जब इससे कहीं बेहतर आपको जानकारी मिल रही हो, इससे बेहतर चीज़ें आपको लग रही हो, तो फिर आप वहीं एडमिशन लीजिए, और अगर आपको यहाँ बेहतर लग रहा है तो फिर आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए। भाई हमारे यहाँ तो एक एक तथ्य क्लियर किया जाता है, आपके सिलेबस का एक एक पॉइंट क्लियर किया जाता है, ऐसी जानकारी दी जाती है जो अन्य आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। भाई कुछ लोग कहते हैं फीस ज़्यादा है सर, भाई फीस ज़्यादा है तो उस तरीके से मेहनत भी तो कराई जाती है आप लोगों को। तो कितने व्यूवर्स हैं जो बताएंगे दशरथ का नाम दिग्जान था, सीता का नाम महिजा थी, राम का नाम क्या था, नहीं पता। अगर नहीं पता है कॉपी पर उठाइए लिखिए, राम का नाम हितकारी था, राम का नाम हितकारी था, लक्ष्मण का नाम डील धराधर था, लक्ष्मण का नाम डील धराधर था, सीता का नाम मैंने बता दिया आपको महिजा था, परशुराम का नाम लिख लीजिए रेणुके था, परशुराम का नाम रेणुके था, कैकेयी का नाम कश्मीरी था, कैकेयी का नाम कश्मीरी था, दशरथ का नाम मैंने आपको बता ही दिया दिग्जान था, शुपनखा का नाम था दीर्घनखी, दीर्घनखी, और रावण का नाम था दिक्सिर, रावण का नाम था दिक्सिर, दिक्सिर रावण का नाम था। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों के, सुखराम, रूही,
कमाल, शिल्पी, अनुपमा, काजल, हिरोमणि, नीरज, कविता, रामलखन, संजीव, सुजीत, वेणुप्रिया, कविता। आप सभी लोगों के समझ में आ रहा है ना? जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर किसका क्या नाम रखा गया है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा, इन नाटकों के अलावा और भी बहुत सारे नाटक हैं, जैसे आगे भी आपको मिलेगा, बहुत सारे पद्यात्मक नाटक हैं, पद में लिखे गए, जैसे जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय है, हनुमान नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद उन्होंने जो किया, प्राणचंद चौहान का आपने देखा महा रामायण महानाटक, करुणाभरण देखा लच्छे राम का, नेवाज का शकुंतला, विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन। इसके अलावा रघुराय नागर का सभासार है, आप देखेंगे अभी आगे मिलेगा, अमानत का इंद्र सभा, गणेश कवि का प्रद्युमन विजय, ये सब पद्यात्मक नाटक हैं। लेकिन संवाद योजना पर आधारित कुछ नाटकों के नाम आप लिखना चाहें तो लिख लें। संवाद योजना पर आधारित नाटक, संवाद योजना पर आधारित नाटक लिखिए, कॉपी पर उठाइए लिखिए, संवाद योजना पर आधारित नाटक पहला पॉइंट एक लिखिए। केशवदास का विज्ञान गीता, केशवदास का विज्ञान गीता, बनारसी दास का समय सार, दूसरा बनारसी दास का समय सार, तीसरा गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, चौथा आनंद का नाटक लिखिए, नाटकानंद, आनंद का नाटक, नाटकानंद। पांचवा पॉइंट, लाल झा का नाटक गोरी परिणय, लाल झा का नाटक गोरी परिणय, हरिराय का नाटक जानकी रामचरित्र, जानकी रामचरित्र। सातवां पॉइंट लिखिए, भानु झा का प्रभावती हरण, भानु झा का प्रभावती हरण। अगला पॉइंट लिखिए, हर्षनाथ झा का उषाहरण, हर्षनाथ झा का उषाहरण। ये सब संवाद योजना पर आधारित नाटक हैं। हिंदी के प्रथम नाटक की जब बात आती है तो दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा, देल्हण के नाटक गय सुकुमार रास जो कि अपभ्रंश में है, इसको हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। जबकि एक तरफ दशरथ ओझा आनंद रघुनंदन के लिए कहे हैं कि विश्वनाथ जी ने इस नाटक ने हिंदी नाटकों में ऐसी क्रांति पैदा कर दी जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। गणपति चंद्रगुप्त ने विद्यापति के नाटक गोरक्ष विजय जो कि मैथिल में, इसे हिंदी का पहला नाटक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन जो कि ब्रजभाषा में है, इसे हिंदी का पहला नाटक माना। भारतेंदु जी ने गिरधर दास जो कि उनके पिता का नाम है, गिरधर दास गोपालचंद, इनके नाटक नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना है, हिंदी का पहला नाटक माना है। भारतेंदु जी ने शकुंतला नाटक जो कि राजा लक्ष्मण सिंह का है, इसे हिंदी का दूसरा नाटक माना। विद्या सुंदर जो कि इनका खुद का नाटक है, इसे हिंदी का तीसरा नाटक माना। तत्व समरण जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, इसको हिंदी का चौथा नाटक माना भारतेंदु जी ने। उपरोक्त जो भी नाटक है, तीन चार नाटक जो आप देख रहे हैं, उपरोक्त नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य की छाप नजर आती है। इनके भी आख्यान धार्मिक व पौराणिक हैं, इनके संवाद भी पद्यात्मक हैं। श्रृंगार इनकी मूल प्रवृत्ति है। भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति और पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण के तहत लिखा गया है। खड़ी बोली के तहत शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है, खड़ी बोली के तहत शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। वैसे जिस नहुष नाटक की बात भारतेंदु जी करते हैं, यह नहुष नाटक उपलब्ध नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे कि यह नहुष नाटक कवि वचन सुधा के पहले साल के पहले अंक में प्रकाशित हुआ था। बताया जाता है कि नहुष नाटक में कुल अंकों की, चलिए कुल अंकों की संख्या आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा, देखते हैं कितने लोगों को पता है नहुष नाटक में कुल कितने अंक हैं, इसका विषय क्या है, कुल अंक और विषय कितने लोगों को पता है।
नहुष नाटक के कुल अंक और विषय कितने लोगों को पता है आप लोगों में से? नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, गौर करिए चीज़ों पर, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए आप लोग। नहुष नाटक में कुल अंकों की संख्या 6 बताई जाती है। कुल अंकों की संख्या नहुष नाटक में 6 बताई जाती है। और अगर विषय की बात करें नहुष नाटक में, तो कहा गया कि महाभारत के उद्योग पर्व और अनुशासन पर्व के आधार पर यह नाटक निर्मित है। जो नहुष नाटक है वो महाभारत के कौन से पर्व? तो उद्योग और अनुशासन, उद्योग और अनुशासन, उद्योग और अनुशासन पर्व के आधार पर यह नाटक निर्मित है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाटक हैं ब्रज भाषा में, जैसे रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का, सभासार रघुराय नागर का, अमानत इंद्र सभा का, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह का, चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह का, समय सार बनारसी दास का, करुणावरम लक्ष्मी राम का, ये सारे नाटक हैं जो मैंने अभी आपको लिखा भी दिया है। अनुदित नाटकों में सोमनाथ ठाकुर का माधव विनोद तथा यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय प्रमुख है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पारसी थिएटर कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य था नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना। जैसे अमानत द्वारा लिखित इंद्र सभा नाटक, अमानत द्वारा लिखित इंद्र सभा नाटक, ऐसे नाटकों द्वारा उत्पन्न कलाहीनता, असंस्कृत वातावरण से क्षुब्ध होकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक को साहित्यिक कलात्मक रूप देने का प्रयास किया और उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप दिया व नई दिशा इसको प्रदान की। इसके अलावा जब यहाँ पर एक चीज़ और एक तथ्य ध्यान आता है कि यहाँ पर जो ये नाटक लिखे गए हैं, ये जितने भी नाटक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं कि पारसी थिएटर आया, जो अभी मैंने बात किया, पारसी कंपनियाँ आई, इनका उद्देश्य नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था, और अमानत द्वारा लिखित इंद्र सभा नाटक है। वैसे अमानत की जब बात आती है, रंगमंच में जब बात करते हैं हम लोग, तो वाजिद अली शाह की बात जरूर आती है, वाजिद अली शाह, क्योंकि जहाँ जहाँ इंद्र सभा की बात होगी आप देखेंगे वाजिद अली शाह की बात होगी। वाजिद अली शाह ने भी कोई नाटक लिखा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि वाजिद अली शाह ने भी कोई नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था, कितने लोग बताएंगे? वाजिद अली शाह, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, बताइए कितने लोगों को पता है? पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट बताइएगा कि नहीं पता था, आप लिख लें। किस्सा राधा कन्हैया, वाजिद अली शाह ने लिखा किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया, लिख लिया। लाइव कक्षा में अगर प्रश्न पूछेंगे तो जरूर बताइएगा आप लोग, रात में इसी पर आधारित लाइव कक्षा भी होगी। तो जयशंकर प्रसाद ने उसे नया रूप नया दिशा प्रदान किया। जिस प्रकार हिंदी उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्रसाद का केंद्रीय महत्व है। प्रसाद को केंद्र में रखकर नाट्य साहित्य को निम्न युगों में बांटा जा सकता है, जिससे प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, जिसमें प्रसाद पूर्व युग में भारतेंदु युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक आएंगे, फिर प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर युगीन नाटक, तो जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ यहाँ तक बात करेंगे भारतेंदु युगीन नाटक तक, बाकी कल के लेक्चर में बात करेंगे द्विवेदी युगीन नाटक। इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु युगीन नाटक के साथ साथ एक लेक्चर आपको और मिलेगा, जो कि मैंने पिछली कक्षा में कराया है, नाटक का अवयव, जो नाटक है उस नाटक के अवयव कौन से हैं, उसका अवधारणा क्या है, उसके सिद्धांत कौन से हैं। जैसे नाटक के अवयव में संगीत, संवाद, नट, रंगमंच, कथा वस्तु, या नाटक में 10 रूपक क्या होता है, 10 रूपक के कितने उपरूपक होते हैं, या साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, या अभिनय की दृष्टि से कथाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो दृश्य और सूच जैसे होते, सूच में क्या होगा प्रश्न भी पूछा जा चुका है, विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्त, अंकावतार, ये क्रम से भी पूछा जाता है।
या इसके अलावा कभी कभी कार्यावस्था के आधार पर कथा विन्यास पूछ लिया जाता है। पहले आरंभ होगा, फिर प्रयत्न होगा, फिर प्रत्याशा होगा, फिर नियतात्व होगा, फिर फलागम होगा। या अर्थ प्रकृति के आधार पर कथा विन्यास पूछ लिया जाता है कि पहले बीज होगा, फिर बिंदु होगा, फिर पताका होगा, फिर प्रकरी होगा, फिर कार्य होगा। या संधि के आधार पर कथा विन्यास पूछ लिया जाता है तो पहले मुख होगा, फिर प्रतिमुख होगा, फिर गर्भ होगा, फिर विमर्श होगा, फिर निर्वहन होगा। तो इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो आप लोगों को दिया गया है, जो कि पिछली कक्षा में मैंने कराया था, पीडीएफ भी मैंने भेज दिया है, तो उसे आप लोग जरूर देखिए। और इन्हीं दोनों पर आधारित रात में लाइव कक्षा भी होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कर रहे थे कि प्रसाद को केंद्र में रखकर नाटक के काल को विभाजित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त कालक्रमों को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान और चतुर्थ उत्थान नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में उन्होंने कहा कि ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। अब यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हो जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके नाटकों के बारे में कहा कि यह नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में कहा। बाबू श्याम सुंदर दास ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों का समर्थन किया और कहा, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। ये किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। जबकि उपरोक्त मतों के विपरीत शांता गांधी और बच्चन सिंह का यह मानना है कि शांता गांधी ने कहा कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। वहीं बच्चन सिंह ने कहा कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। ये कहा शांता गांधी और बच्चन सिंह ने। अब आ जाते हैं हम लोग भारतेंदु युगीन नाटक पर। एक एक युग की बात करेंगे। अभी तक तो केवल हम लोग ये समझ लीजिए नाटक के विकास की प्रस्तावना की बात कर रहे थे, भूमिका की बात कर रहे थे। भाई पहले दिन तो थोड़ा समय लगता है, और ऐसा नहीं है कि आपका 30 मिनट का समय बेकार जाएगा। 30 मिनट की चीज़ों में इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि अक्सर वहाँ से 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में मिल ही जाते हैं। जितनी चीज़ें अभी तक मैंने बताई, आप देखेंगे कि नाटक के विकास की इस भूमिका से आपको 1-2 प्रश्न अक्सर हर परीक्षा में मिलते हैं। अब भारतेंदु युगीन नाटक की अगर बात करें तो भारतेंदु का युग जो था वो नाट्य साहित्य का पहला चरण था, और यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर है। इस समय 2 वर्ग था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन कर रहा था तो दूसरा इसका विरोध कर रहा था। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में नई समस्याएं, नई मान्यताएं, दृष्टिकोण और सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी, और भारतेंदु ने यही किया। इनके नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनसामान्य को जागृत करना और उनमें आत्मविश्वास जगाना था। इसीलिए भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी परीक्षाएं, जैसे TGT PGT की जो परीक्षाएं हो गई, GIC GDC की परीक्षाएं हो गई, उन सब में जो बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है या हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्य, श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देशवात्सल्यता का उल्लेख किया है। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न मिल जाएगा आपको कि भारतेंदु की रचना नाटक किस विधा की है। तो नाटक जो उन्होंने पुस्तक लिखा है वो किस विधा की है? निबंध विधा की है। इस निबंध विधा की जो ये नाटक इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने किन नाटकों को माना कि यह नाटक रीत पर विरचित हैं? नाटक नामक निबंध में भारतेंदु ने किन 3 नाटकों का नाम लिया है, किन 3 नाटकों की पुस्तकों को कहा है कि यह सर्वप्रथम नाटक रीति पर आधारित है, बताइए।
कितने लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारतेंदु की रचना नाटक निबंध में भारतेंदु ने किन तीन नाटकों को कहा कि सर्वप्रथम यह नाटक रीति पर आधारित है। तीनों नाटकों के नाम कितने लोगों को पता है, यस या नो में जरूर बताइएगा। जिनको नहीं पता है, कॉपी पर उनके पास है तो लिखें। तीन नाटकों में से उन्होंने बताया, पहला नाटक देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। दूसरा लिखें प्रभावती नाटक। तीसरा लिखें आनंद रघुनंदन नाटक। भारतेंदु ने नाटक शीर्षक निबंध में तीन नाटकों देवमाया प्रपंच, प्रभावती और आनंद रघुनंदन को कहा कि यह सर्वप्रथम नाटक रीति पर आधारित नाटक हैं। अब लाइव कक्षा में पूछेंगे तो ये मत कहना सर मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो नहीं देखा, समय नहीं मिला, ये चीज़ें नहीं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। चीज़ों को ध्यान रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, चीज़ों को नोट करिए। तो उन्होंने अपने नाटक शीर्षक में आप देखेंगे कि पांच उद्देश्यों की चर्चा की। भारतेंदु जी के ही प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाटक सभा, कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। डॉक्टर अम्बिला शर्मा ने भारतेंदु के नाटक चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप माना है। भारतेंदु जी के कुल मौलिक नाटक इस प्रकार हैं। अब इसमें जो ये मौलिक नाटक हैं, इन मौलिक नाटकों में आपको बता दें कि जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक, जो भारत जननी नाटक है, इन दो नाटकों को बहुत सारे साहित्यकार इसे अनुदित नाटक मानते हैं। कहते हैं कि जो भारत जननी नाटक है, ये भारत जननी नाटक बंगला के किसी कवि, कवि का नाम भी नहीं पता, बंगला के किसी कवि या किसी नाटककार की रचना भारत माता का अनुवाद है भारत जननी। और सत्य हरिश्चंद्र को कहते हैं कि यह संस्कृत के कवि क्षेमेश्वर की रचना चंड कौशिक का अनुवाद है सत्य हरिश्चंद्र। जबकि कुछ मानते हैं, वैसे आयोग ने इसे मौलिक में ऐड किया है तो हम लोग भी इसे मौलिक अनुदित में किया है तो इसे भी हम लोग अनुदित ही मानेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे मौलिक ना मानकर, इसे मौलिक ना मानकर, इसे मौलिक नहीं मानते हम लोग, ध्यान रखना। यहाँ मौलिक से आप इसको हटा दीजिएगा सत्य हरिश्चंद्र को, क्योंकि यह चंड कौशिक का अनुवाद है, क्षेमेश्वर की रचना जो चंड कौशिक है उसी का यह अनुवाद है सत्य हरिश्चंद्र। अब बाकी नाटकों में अगर बात करें तो बाकी नाटकों में आप देखेंगे कि वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति जो कि एक प्रहसन है जिसमें वैदिक धर्मानुयायियों के पाखंड का चित्रण किया गया है। वहीं आप देखेंगे यहीं पर कि जो विशस्य विषमौषधम है, यह एक पात्रीय नाटक है, भाण जिसे कहते हैं, एक पात्रीय नाटक को बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्त होने पर यह नाटक इन्होंने यहाँ पर लिखा गया है। भारत दुर्दशा नाटक की अगर बात करें तो भारत दुर्दशा जो नाटक है, भारत दुर्दशा नाटक, ये नाटक है लास्य रूपक है, भारत के तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। वहीं चंद्रावली के बारे में तो आप जानते हैं कि नाटिका है, कृष्ण प्रेम का अद्भुत वर्णन इसमें किया गया है। नील देवी भी गीत रूपक नाटक है, मुगलकालीन शासन की पृष्ठभूमि में नारी जाति की वीरता और ओजस्विता का वर्णन किया गया। अंधेर नगरी के तो आपके पाठ्यक्रम में है, प्रहसन है, तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खताओं और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंगात्मक चित्रण किया गया है। ऐसे ही सती प्रताप नाटक लिख लीजिए, सती प्रताप लिख लीजिए, सती प्रताप, ये भी मौलिक नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप जो कि पौराणिक नाटक है, पौराणिक कथा सावित्री सत्यवान के महत्वपूर्ण के जीवन पर महत्वपूर्ण नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप लिख लिया आपने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, शायद किसी ने कमेंट भी किया था, अब तो खैर आपका संशय दूर हो गया होगा सत्य हरिश्चंद्र पर। जिन्होंने भी मैसेज किया था सत्य हरिश्चंद्र पर, आपका संशय दूर हो गया होगा,
भारत जननी के बारे में भी आपके समझ में आ गया होगा। रामबरन, संजीव, कमल, रूही, सुरेखा, सुखराम, सावित्री, याद है आप लोगों को, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। शिल्पी, अनुपमा, काजल, हीरोमणि, नीरज, कविता, गोविंद, कल्याणी, वेणुप्रिया, जिनका एडमिशन अभी आजकल हुआ है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ताकि वो लोग फोकस कर सकें। बस 2 दिन के बाद वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे, चीज़ें समझते चलेंगे आराम से। तो अब तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, नाटक में पाखंडी, मांसाहारी, पुरोहितों, शैवों और वैष्णवों पर व्यंग किया गया है। यहाँ पर कथावस्तु आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझा दिया वो यहाँ पर कथावस्तु है, PDF में मैंने आपको दे ही दिया है, PDF आप पढ़ ही रहे होंगे। भारतेन जी के अनुदित नाटकों की भी रचना उन्होंने की है, जैसे विद्यासुंदर, इनका अनुदित नाटक है जो कि चौर पंचासिका संस्कृत की जो रचना है आप देखेंगे उसका अनुवाद है। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। धनंजय विजय का अनुवाद है। धनंजय विजय कांचन कवि की रचना है जो कि संस्कृत में थी। कर्पूर मंजरी राजशेखर की प्राकृत में रचना है जो कर्पूर मंजरी उसका अनुवाद है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की संस्कृत के जो रचना है मुद्रा राक्षस उसका अनुवाद है। दुर्लभ बंधु विलियम शेक्सपियर का जो अंग्रेजी में रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसका अनुवाद है। दुर्लभ बंधु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद कौन सा है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दुर्लभ बंधु का अन्य नाम क्या है, कितने लोगों को पता होगा दुर्लभ बंधु का अन्य नाम क्या है, कितने लोग बताएंगे, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, रात में लाइव कक्षा में यह प्रश्न कराएंगे, देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ले कुछ लोग सोच रहे होंगे, देखिए सर नहीं बताया लाइव कक्षा तो हम लोगों को मिलेगी नहीं, पब्लिश नहीं होगी, फिर हम व्यूअर्स हैं देख रहे हैं तो हमको तो पता होना चाहिए, क्यों? खैर मन में आपके सवाल ना उठे, मैं बता दे रहा हूँ। दुर्लभ बंधु का अन्य नाम लिख लीजिए, वंशपुर का महाजन, लिख लीजिए वंशपुर का महाजन, वंशपुर का महाजन, ये दुर्लभ बंधु नाटक का अन्य नाम भी है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग पौराणिक नाटकों की अगर बात करें तो भारतेंदु युग में पौराणिक नाटकों की संख्या सबसे अधिक थी। पौराणिक नाटकों को अध्ययन की दृष्टि से कुछ इस प्रकार मैंने विभाजित कर लिया है, जैसे रामचरित संबंधी नाटक, कृष्ण चरित संबंधी नाटक, कृष्ण परिवार के व्यक्तियों के चरित्र संबंधी नाटक या पौराणिक आख्यानों से संबंधित नाटक। रामचरित संबंधी नाटक में देवकीनंदन खत्री का सीताहरण है, रामलीला है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरित नाटक है। कृष्णचरित संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का चंद्रावली है, अंबिका दत्त व्यास का ललिता है, हरिहर दत्त दुबे का महारास है, खड़क बहादुर मल्ल का कल्पवृक्ष है, सूर्य नारायण सिंह का श्यामानुराग नाटिका है। श्यामानुराग नाटिका पूछा जा चुका है एक बार परीक्षा में, यहाँ पर जो ये नाम बताए जा रहे हैं इन्हें जरूर ध्यान रखना नाटकों का, क्योंकि सुमेलित करने के लिए ऐसे प्रश्न नाटक के विकास से ही पूछे जाते हैं। कृष्ण परिवार के व्यक्तियों के चरित्र संबंधी नाटक में चंद्र शर्मा का उषाहरण, कार्तिक प्रसाद खत्री का उषाहरण दोनों लोगों ने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा प्रधुमन विजय रुक्मणी परिणय। पौराणिक आख्यानों से संबंधित नाटक गजराज सिंह का द्रौपदी हरण, श्रीनिवास दास ने प्रेतचरित्र लिखा, बालकृष्ण भट्ट ने नल दमयंती स्वयंवर लिखा, शालिग्राम लाल ने अभिमन्यु लिखा। ऐतिहासिक धारा के नाटकों का प्रारंभ नीलदेवी नाटक से माना जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक धारा से संबंधित नाटक कुछ इस प्रकार हैं, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप। समस्या प्रधान नाटकों में आप देखें राधाचरण दास का दुखिनी बाला, प्रताप नारायण मिश्र का कला कौतुक, बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, गोपाल राम गहमरी का विद्या विनोद। तो ये नाटक आप देख रहे हैं, ऐसे प्रेम धारा के नाटक भी इस युग में लिखे गए, जैसे शालिग्राम शुक्ल ने सुदर्शन लिखा, लावण्यवती लिखा, गोकुलनाथ शर्मा ने पुष्पवती लिखा, श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहनी लिखा,
कई बार रणधीर प्रेम मोहिनी भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्राणिनी परिणय भी पूछा जा चुका है, लावण्यवती भी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारा PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जा चुका है। राष्ट्रीय प्रहसन धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय और व्यंग्यात्मक नाटकों की परंपरा नील देवी, भारत दुर्दशा आदि द्वारा चलाई गई थी। उनका मूल कारण सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से उपस्थित संक्रांति काल ही था। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति की टकराहट से नवजागरण का आलोक विकीर्ण हो रहा था। भारतेंदुगिन नाटककारों ने इस जागरण को व्यक्त करने के लिए प्रहसनों को चुना, जैसे भारत आरत प्रहसन। ये सब प्रहसन हैं। निम्न में से प्रहसन कौन सा है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खड़क बहादुर मल ने भारत आरत लिखा, अंबिकादत्त व्यास ने भारत सौभाग्य लिखा, गोपाल राम गहमरी ने देश दशा लिखा, देवकी नंदन त्रिपाठी ने भारत हरण लिखा। आलोच्य युग के कुछ सफल प्रहसन इस प्रकार है, जैसे राधा कृष्ण दास देसी कुतिया विलायती बोल, राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुहासे, विजयानंद त्रिपाठी महा अंधेर नगरी, बाल कृष्ण भट्ट प्रचार विडम्बना। तो ये सब नाटक लिखे गए हैं। तो आज हम लोगों ने यहीं तक बात की, बाकी कल आपको लेक्चर मिलेगा। तो ये हमारा डेली का शेड्यूल है। सुबह 10 बजे PDF देते हैं, 10 ही बजे टेस्ट सीरीज देते हैं। सुबह में 10 बजे PDF नोट, 10 बजे टेस्ट सीरीज, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप डेमो के लिए मत कहिएगा कि सर डेमो दे दीजिए, इसीलिए वीडियो पब्लिश करते हैं कि लोग देखें। भाई देखेंगे तभी तो एडमिशन लेंगे, चीज़ें बेहतर देखेंगे कि बेहतर होंगी तभी तो एडमिशन लेंगे। तो इसीलिए पब्लिश किया गया ताकि आप लोग देखें। और फिर जो आपने इस लेक्चर को देखा 2:30 बजे वाले को, इसी लेक्चर पर आधारित रात में 9 बजे प्रश्न कराएंगे। और डेली हम लोग रात में 9 बजे लाइव होते हैं, 9 से 10 डेली लाइव होता है। तो ये हमारा शेड्यूल डेली का है। तो अभी नाटक हो रहा है, अभी नाटक का विकास होगा। जब नाटक का विकास हो जाएगा तो आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हुए हैं उन नाटकों की बात की जाएगी जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, जैसे अंधेर नगरी नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, अंधायुग नाटक है, सिंदूर की होली, अषाढ़ का एक दिन, अंजो दीदी, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, महाभोज, आधे अधूरे, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सारे नाटकों की एक एक दो दो नाटक डेली आपको कराए जाएंगे। नाटक के बाद में निबंध होगा, निबंध के बाद अन्य विधा होगी, और अन्य विधा के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इकाई एक पर, हिंदी भाषा का इतिहास। तो इसी क्रम में हम लोग चलेंगे। वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर भेजें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि आपको यह कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। बाकी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे इसी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। आप लोगों ने समय दिया, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।